आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो हर किसी ने जरूर ट्राई की होगी, वो है चॉकलेट डोनट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इसके लिए मैं ले रही हूं 2.5 कप मैदा, 1 कटोरी पीसी हुई शक्कर, 1/2 छोटा चम्मच सोडा, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 छोटे चम्मच विनेगर, 1/2 कप दूध। अब इन सब चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको आटे की तरह हमें गूंदना है। अगर इसमें जरूरत पड़े तो आपको 2-3 चम्मच पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा गूंदने के बाद हमें इसमें 2 बड़े चम्मच बटर डालना है। अब इसको हमें गूंदना है और एक सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे बटर लगा के चारों तरफ और इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, हमारा आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम डोनट बनाने की तैयारी करेंगे। डोनट बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी सी आटे की लोई, ताकि जब हम डोनट बेलेंगे तो इसमें 3-4 डोनट निकल आ जाएंगे। अब मैं इसमें सूखे आटे में मिला रही हूँ, अभी हमें इसको बेलना है। आटे को मैंने अच्छी तरीके से बेल दिया है, आपको इसको इतना ही थिक रखना है। अब डोनट काटने के लिए मैंने ली है ग्लास की हेल्प, अब इसकी मदद से हम इन डोनट्स को काटेंगे। अब मैंने एक और छोटी सी कटर टाइप का लिया हुआ है। आपके पास अगर छोटा सा कोई कटर नहीं होता है तो आप कोई भी बॉटल का छोटा ढक्कन आप ले सकते हो, उसकी मदद से आप इसको सेंटर में काट सकते हो। अब बाकी का पोर्शन हम इस यहां से हटा देंगे। ये हमारे डोनट बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप दूसरे आटे से भी इसी तरह आप डोनट्स को तैयार कर लीजिए। हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी ये डोनट्स। आपको ध्यान रखना है, हमें डोनट्स को सिम आंच पे ही फ्राई करना है, ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर से भी सिक जाए और गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हो हमारे डोनट्स अच्छी तरीके से फूल के ऊपर आ रहे हैं। डोनट्स अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं, अब हम डोनट को चॉकलेट से कोट करेंगे। चॉकलेट से कोट करने के लिए मैंने लिए हैं ये 2 तरह के चॉकलेट्स, एक है व्हाइट चॉकलेट और एक है डार्क चॉकलेट। इसको दोनों को मेल्ट किया हुआ है। अगर आप डार्क चॉकलेट नहीं चाहते हो तो नॉर्मल चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं ले रही हूँ ये डोनट, डोनट को मैं चॉकलेट में डिप कर रही हूँ। अच्छे से आपको डिप करना है। अब मैं दूसरा डोनट ले रही हूँ और मैं डार्क चॉकलेट में डिप कर रही हूँ। इसी तरह आपको सारे डोनट्स को कोट करना है। डोनट चॉकलेट से कोट हो चुके हैं, अब मैं इसको गार्निश करूंगी मीठी सौंफ से। चॉकलेट डोनट्स तैयार हो चुके हैं।